हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज ब्रिजेश। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, सीसेट पेपर टू में इंग्लिश के लगभग 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये भी पता है कि जितने भी ये क्वेश्चन हैं ज़्यादातर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ही से ही आ रहे हैं, और आगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी देखिए आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो आप उसमें उनमें या तो इन्फरेंस पूछा गया होता है, या कंक्लूजन पूछा गया होता है, या अजम्पशन पूछा गया होता है, या आर्ग्यूमेंट्स यानी कि वीक आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स पूछी गई होती है, या फिर मेन आइडिया ऑफ द पैसेज पूछा गया होता है। सो फ्रेंड्स, अगर हमने इंग्लिश के पेपर में से ये क्वेश्चन अगर अच्छे से करने हैं तो हमें इन सभी टॉपिक्स की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, हमें बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इन्फ्रेंसिस के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ जो सी सेट के पेपर पेपर टू 2019 में जो कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन्फ्रेंसिस होते क्या हैं और इनको कैसे करना होता है, राइट। सो फ्रेंड्स, इन्फ्रेंसिस बेसिकली हमारे पास कुछ दिए गए फैक्ट्स से हम कुछ लॉजिक लगा के, या हमारे ऑब्जर्वेशन, या हम अपनी कुछ नॉलेज से आगे कुछ फैक्ट्स निकालते हैं तो उसको हम इन्फेरेंस बोलते हैं, राइट। हमारे पास कुछ फैक्ट्स दिए गए हुए हैं, इन्हीं से हम आगे कुछ अपने कुछ नॉलेज अप्लाई करके हम आगे जो फैक्ट्स निकालते हैं उसको हम इन्फेरेंस बोलते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, मेकिंग इन्फेरेंस। सो मेकिंग इन्फेरेंस इज समथिंग दैट यूजेस फैक्ट्स टू डिटरमाइन अदर फैक्ट्स, राइट फ्रेंड्स। यस, सो मेकिंग इन्फेरेंस इज समथिंग दैट यूजेज फैक्ट टू डिटरमाइन अदर फैक्ट्स, और वी कैन से इन्फेरेंस इज एन एजुकेटेड गैस। फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्फेरेंस को हम एजुकेटेड गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो जानकारी दी गई है, या जो हमारे पास पैसेज दिया गया है, या हमारे पास जो फैक्ट्स हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर कुछ अपनी नॉलेज अप्लाई करके या लॉजिक अप्लाई करके हम क्या करते हैं, अपना इन्फेरेंस निकालते हैं। सो इसको हम एजुकेटेड गैस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इन्फेरेंस के मामले में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इट कैन नॉट बी ऑलवेज ट्रू और एक्यूरेट, राइट। सो इन्फेरेंस कैन बी एक्यूरेट और इनएक्यूरेट, लॉजिकल और इलॉजिकल, राइट। अब आगे देखिए, एक कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। नंबर वन, If someone comes toward me with a knife in his hand, I probably would infer that he means to do some harm to me. Yes. So, मान लीजिए कोई मेरी तरफ चाकू लेके आता है तो उससे क्या आइडिया मैं लगाऊंगा या क्या इन्फर करूंगा कि वो मेरे को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्या इन्फर किया कि दैट पर्सन इज गोइंग टू, या आई मीन टू से that person is going to harm me, right? So, दूसरा example देख लेते हैं। नीता's toddler is in bed upstairs. She hears a bang and crying. नीता can infer that toddler fell out of bed, right? So, friends, देखिए जो नीता है उसका छोटा बेबी है जो के ऊपर ऊपर पौड़ियों अपस्टेयर जैसे ऊपर वाले फ्लोर पे बेड पे सो रहा है, और सडनली नीता ने कुछ आवाज़ सुनी, रोने की आवाज़ सुनी या कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। सो नीता ने इन्फर किया है, नीता ने अंदाज़ा लगाया है कि बेबी या तो नीचे गिर गया है, बेड से नीचे गिर गया है, राइट। सो नीता ने यहाँ पे इन्फर किया है कि बेबी बेड से गिर गया है, राइट। सो इन तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। रवि हेयर्स ए स्मोक अलार्म एंड स्मेल्स बर्नट फूड। रवि कैन इन्फर दैट हिज नेबर बर्नट हर ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, रवि ने देखा किसी का स्मोक अलार्म बज रहा है और रवि को कुछ भोजन के जलने की स्मेल भी आ रही है, राइट। सो यहाँ से रवि क्या अंदाजा लगाएगा कि उसके पड़ोस में किसी ने ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट या अपना खाना बनाते हुए उसका खाना जल गया है, राइट। सो फ्रेंड्स, इतना ये
आई होप कि इससे आपको इन्फेरेंस का कुछ आइडिया हो गया होगा, बाकी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उससे कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट? सो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये पैसेज नंबर वन है, ये 2019 में आ चुका है, हमने इसी को आज डिस्कस करते हैं, राइट? सो मोस्ट इन्वेसिव स्पीसीज आर नीदर टेरेबली सक्सेसफुल, नीदर टेरेबली सक्सेसफुल नॉर वेरी हार्मफुल, राइट? अगे ब्रिटेन्स इन्वेसिव प्लांट्स आर नॉट वाइड स्प्रेड, नॉट स्प्रेडिंग स्पेशली क्विकली एंड ऑफन लेस ऑफ ए न्यूसेंस देन विग्रस नेटिव सच एज ब्रैकन। द अराइवल ऑफ न्यू स्पीसीज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्रीज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ए रीजन। इन मैनी केसेज ए फ्लड ऑफ न्यू कमर्स ड्राइव्स नो नेटिव स्पीसीज टू एक्सटिंक्शन। वन रीजन इज दैट इन्वेडर्स टेंड टू कोलोनलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हैबिटेट्स लाइक पोल्यूटेड लेक्स एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड वेयर एज लिटल एल्स लिव्स, दे आर नेचर्स अपॉर्चुनिस्ट्स, राइट फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे पास एक पैसेज दिया गया है। पैसेज में देखिए आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉरी फैक्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन जो फैक्ट्स दिए गए हैं, तो हमने उनमें से देखना है कि कौन सा इनमें हम हमारे पास जो पूछा गया है इन्फेरेंस पूछा गया है, राइट? एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबाव पैसेज। सो हमने इन्फेरेंस बताना है इनमें से जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से कौन सा हमारा इन्फेरेंस दैट इज लॉजिकल रेशनल है हमारा, राइट? सो सबसे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट है हम यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें और उनमें से जो ऑप्शन लगता है इलिमिनेशन का मेथड हमने यहाँ पे यूज करना है फ्रेंड्स। सबसे बहुत ज़्यादा हमारा टाइम बच जाएगा और हम अपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे अगर हम एलिमिनेशन का मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने वो ऑप्शंस फटाफट हटा देनी है जो इररिलेवेंट है या आउट ऑफ द स्कोप है, राइट? तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड ए ऑप्शन देखते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज शुड बी यूज टू रिहैबिटेट डेजर्ट एरियाज एंड वेस्ट लैंड ऑफ ए कंट्री, राइट? सो इस ऑप्शन को हम अभी होल्ड कर लेते हैं, इसको हम डिलीट नहीं करते हैं और ना इसको हम कंफर्म करते हैं कि ये हमारा इन्फ्रेंस हो सकता है। अब फ्रेंड्स हम बी ऑप्शन पे जाते हैं, लॉज अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन प्लांट्स। फ्रेंड्स यहाँ पे फॉरेन प्लांट्स की बात कर रहा है ऑथर, सो इसको हमने एलिमिनेट कर देना है क्योंकि जो हमारे पास जो गिवन पैसेज है उसमें इन्वेसिव स्पीसीज की बात की थी, फॉरेन प्लांट की हम वहाँ पे बात नहीं हुई है, तो हमने इसको एलिमिनेट कर देना है यहाँ पर, राइट? आगे समटाइम द कैंपेन्स अगेंस्ट फॉरेन प्लांट्स, यहाँ पे भी फॉरेन प्लांट्स के बारे में बात की गई है, राइट फ्रेंड? आगे देखिए, फॉरेन प्लांट्स शुड बी यूज टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए कंट्री, तो यहाँ पे भी फॉरेन प्लांट्स की बात की गई है। फ्रेंड्स इन्वेसिव स्पीसीज वो होती हैं जो कि हम किसी अलग कंट्री से आती हैं और हमारे कंट्री में जैसे बहुत तेजी से फैलती हैं और हमारे जो और जो हम जो हमारी अपनी जो इन जो स्पीसीज हैं उनको वो उनको नुकसान भी पहुंचाती हैं, बट यहाँ पे नुकसान की बात नहीं हो रही पैसेज में, तो चलिए देखते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज ए। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ए ऑप्शन, राइट? अगर हम दूसरे तरीके से देखें इसको, मान लीजिए यहाँ पे हमने ये यूज किया है कि फॉरेन प्लांट्स की वजह से हमने ये तीनों ऑप्शन हमने यहाँ पे एलिमिनेट की हैं। अदरवाइज दूसरी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, लॉज अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन प्लांट्स आर अननेसेसरी, ये जो ऑप्शन है हमारी, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है एक,
राइट फ्रेंड्स। सो ये एक हमारी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको इसलिए हमने इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहां से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन सी को देख लेते हैं। समटाइम्स द कैंपेन्स अगेंस्ट फॉरेन प्लांट्स आर पॉइंटलेस। फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे जो वर्ड है समटाइम्स, इस वजह से हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस नहीं हो सकता, मोस्ट लॉजिकल। सो इसको हमने यहाँ पे इसको हमने इलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। नाउ अब डी ऑप्शन को देखते हैं। डी ऑप्शन में देखिए फॉरेन प्लांट शुड बी यूज टू इंक्रीज द बायोडायवर्सिटी ऑफ ए कंट्री। देखिए हम यहाँ पे फॉरेन स्पीसीज, जो इन्वेसिव स्पीसीज की बात कर रहे थे, वहां पे हमने पैराग्राफ में जब बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसके लास्ट में लाइन में यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, देखिए वन रीजन इज दैट इन्वेडर्स टेंड टू कॉलोनाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हैबिटेट्स लाइक पॉल्यूटेड लेक्स एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड्स। सो यहाँ पे कहीं पे ये नहीं कहा गया है कि हम इन्वेसिव स्पीसीज को हम लेके आए जिससे बायोडायवर्सिटी बढ़े। सो यहाँ पे इस ऑप्शन को भी हमने इलिमिनेट करना है, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस, राइट। इन्वेसिव स्पीसीज शुड बी यूज टू रिहैबिटेट डेजर्ट एरियाज एंड वेस्ट लैंड ऑफ ए कंट्री, राइट फ्रेंड्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। इंडिया हैज बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स हु हेल्प ब्रिंग पीपल इन द हिंटरलैंड एंड हिंटरलैंड इन टू द बैंकिंग फोल्ड फॉर देम टू सक्सीड। बैंक्स कैन नॉट क्रिम्प ऑन कोर्स, दे आल्सो कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल एजुकेशन एंड लिटरेसी, राइट। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स आर वे टू स्मॉल टू बी व्यूड एज सिस्टमैटिक रिस्क, येट इंडियाज बैंकिंग रेगुलेटर हैज रिस्ट्रिक्टेड देम टू सर्विंग ओनली वन बैंक, रिस्ट्रिक्टेड देम टू सर्विंग ओनली वन बैंक, राइट फ्रेंड। परहैप्स टू प्रिवेंट आर्बिट्रेज। नेक्स्ट इज एफर्ट्स एट बैंकिंग आउटरीच मे सक्सीड ओनली इफ देयर आर बेटर इंसेंटिव्स एट वर्क फॉर सच लास्ट माइल वर्कर्स एंड आल्सो दोज प्रोवाइडर्स हु एंश्योर नॉट जस्ट बेसिक बैंक अकाउंट्स बट आल्सो प्रोडक्ट सच एज एक्सीडेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस एंड माइक्रो पेंशन स्कीम्स, राइट फ्रेंड्स। देखिए जो पैसेज का जिस्ट है उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं जो बैंकिंग की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, हमने उनको बैंकिंग में लेके आना है। सो इसके इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स की जरूरत पड़नी पड़ेगी, या जो भी हमारे पास बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स हैं हम उनको उनको एक बैंक से ना रिस्ट्रिक्ट रखें और उनको बाकी बैंकों के लिए भी काम करने दें, राइट। बट थिंग इज कि हमारा सिस्टम अलाउ नहीं करता बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेज, या जिसको कहते हैं हम मध्यस्थता या दलाली क्या कहा जा सकता है, उसकी वजह से हम अपने जो बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स हैं उनको एक से ज़्यादा बैंक में काम करने नहीं देते हैं, राइट। बट या हमारे पास या तो हम उनको बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स को इंक्रीज कर दें, या उनको दो ही सोल्यूशन है, या हम जो उनको बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स हैं हमें उनको ज़्यादा और बैंकों में काम भी काम करने दें, उनको एक ही बैंक के साथ सीमित ना रखें, राइट। सो चलिए अब इन्फ्रेंसेज इसके ऑप्शन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल रेशनल एंड क्रूशियल इन्फेरेंस फ्रेंड्स दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अबव पैसेज।
देखिए वन बाय वन ऑप्शन चेक करते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया है, पिछला क्वेश्चन हमने जैसे किया है कि हमने यहाँ पे इलिमिनेशन का रूल अपनाना है, उससे हमारा जो इन्फरेंसेस के क्वेश्चन करने या आरसीज के जो क्वेश्चंस हैं वो करने में बड़ा आसानी होती है, राइट। सो चलिए चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं। एफर्ट्स टू ब्रिंग पीपल इन इंडियाज हिंटरलैंड इन टू द बैंकिंग सिस्टम आर नॉट सक्सेसफुल, राइट। सो फ्रेंड देखिए, ये एक कंक्लूजन तो हो सकता है, और पैसेज में कहीं पे कंक्लूजन नहीं बताया गया है, तो इसको हम इलिमिनेट कर सकते हैं, ये हमारा इन्फरेंस नहीं हो सकता है। आई होप क्लियर है, ये हमारा कंक्लूजन तो हो सकता है, और पैसेज में हमारा कंक्लूजन कहीं पे निकाला नहीं गया है, सो इट कांट बी अवर इन्फरेंस। नाउ लेट अस डिस्कस ऑप्शन सी। फॉर मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडियाज बैंकिंग सिस्टम नीड्स मोर नंबर ऑफ बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट्स एंड अदर सच लास्ट माइल वर्कर्स, राइट। फ्रेंड्स आप देखिए, यहाँ पे इसको हम वहाँ पे बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट्स को इंक्रीज करने की बात हो रही थी कि ज़्यादा होने चाहिए, राइट। सो इसको हम होल्ड पे रख देते हैं। अब हम सी ऑप्शन को पढ़ते हैं। मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया रिक्वायर्स दैट बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट्स हैव डाइवर्स स्किल्स। फ्रेंड्स जो पैसेज में बात हुई थी वो थी कि जो बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स है हमारे, उनको एक बैंक तक सीमित ना रख के और बैंकों में भी लगाना चाहिए या और बैंकों का काम भी देना चाहिए, बट वहां पे स्किल्स की बात नहीं हुई है, राइट। स्किल्स देखिए अलग चीज होती है, स्किल होता है जैसे मेरी मेरे पास क्या क्या स्किल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने सॉफ्टवेयर भी बना सकता हूं, मैं सॉफ्टवेयर में भी काम कर सकता हूँ, या सॉफ्टवेयर में भी जैसे वेब डेवलपमेंट में या काम कर सकता हूँ, या जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट है हमारे। बट मान लीजिए अगर मैं एक बैंक में काम कर रहा हूँ, मेरे को अकाउंट्स का भी काम दे दिया गया है और मेरे पास जैसे पब्लिक डीलिंग का भी काम है या लोन का भी है, तो ये मेरे डाइवर्स स्किल्स में नहीं आता है। सो यहाँ से हम सी ऑप्शन को हम क्या इलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्किल्स का वहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है। नाउ लेट अस डिस्कस ऑप्शन डी। बेटर बैंकिंग आउटरीच वुड बी इम्पॉसिबल अनलेस ईच बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट इज अलाउड टू सर्व ए नंबर ऑफ बैंक्स, राइट। सो देखिए अकॉर्डिंग टू पैसेज, ये हमारा मेन जो पैसेज का मेन थीम ही यही था, राइट। दिस वाज द कोर प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन द पैसेज। सो बी भी हमारा यहाँ पे इन दोनों में से बी और डी में से डी ऑप्शन इज द मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड क्रूशियल इन्फेरेंस, राइट। क्योंकि दिस वाज द कोर प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन द पैसेज, राइट। फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, एंड इट इज लो एंड आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस आर चीप कमोडिटी आइटम्स एड्रेसिंग सिक्योरिटी वुड ऐड टू द कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट इट इज दिस क्लास ऑफ आइटम्स इज प्रोलिफरेटिंग विद न्यू एप्लीकेशंस मैनी होम एप्लीकेशंस अप्लाइंसेस सॉरी थर्मोस्टेट्स सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस एंड पर्सनल कन्वेंस डिवाइसेस आर पार्ट ऑफ द आईओटी। सो आर फिटनेस ट्रैकर्स सर्टेन मेडिकल इम्प्लांट्स एंड कंप्यूटर लाइक डिवाइसेस इन ऑटोमोबाइल्स। द आईओटी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड एक्सपोनेंशियली बट न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस आर डांटिंग। बट न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस आर डांटिंग। फ्रेंड इसको हमने ध्यान में रखना है।
अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इंफरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। सो अगेन एक एक ऑप्शन से हम चेक कर लेते हैं, जैसे ही हमें लगे कि कोई फार फेच्ड है या इररेलीवेंट है पैसेज के, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, उस ऑप्शन को हमने निकाल देने हैं। फिर हमने जो बची हुई हमारे पास जो ऑप्शंस है उनको क्लोजली हमने एनालिसिस करना है और मोस्ट लॉजिकल जो इन्फेरेंस है उसको हमने मार्क करना है एज अवर आंसर, राइट। सो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए को। डिवेलपमेंट ऑफ इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज इन इंडिया कैन बी ए बिग बूस्ट टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो फ्रेंड्स, क्लियरली ऑप्शन ए इज इररेलीवेंट टू द पैसेज गिवन, सो वी कैन इलिमिनेट दिस ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इंडिया इज नॉट फुली रेडी टू अडॉप्ट IoT इन व्यू ऑफ द इमिनेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी चैलेंजेस तो लास्ट में पैसेज के बाद की गई थी, बट इंडिया वॉज नो वेयर डिस्कस्ड इन द पैसेज, राइट। सो इसको भी हम इलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी ऑप्शन जो है इररेलीवेंट आती है, इररेलीवेंट हो जाती है, इररेलीवेंट। इररेलीवेंट, सो इसको भी हम इलिमिनेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेट्स सी ऑप्शन सी, इट इज लाइफ बिकम्स मोर कंफर्टेबल विद द डेवलपमेंट ऑफ चीप लो एंड IoT डिवाइसेस। राइट, सो फ्रेंड इसको हम होल्ड पे रख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट हम देखेंगे डी ऑप्शन। एज वी गो डिजिटल वी मस्ट रिकॉग्नाइज द ह्यूज थ्रेट टू इंटरनेट सिक्योरिटी फ्रॉम सम IoT डिवाइसेस। सो दिस वाज द मेन इशू दैट वाज डिस्कस्ड, दैट वाज कंक्लूडेड इन द लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज। सो फ्रेंड डी इज द मोस्ट लॉजिकल रेशनल इन्फरेंस हियर, राइट। सो वी विल इलिमिनेट सी हियर, राइट। सो वी विल मार्क डी, ऑप्शन डी एज अवर आंसर, राइट। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इट इज इन ए स्टडी साइंटिस्ट कंपेयर्ड द माइक्रोबायोम्स ऑफ पुअरली नरिश्ड एंड वेल नरिश्ड इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। बट सॉरी गट माइक्रोब्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम फेसल सैंपल्स ऑफ मेल नरिश्ड एंड हेल्दी चिल्ड्रन। द माइक्रोबायोम्स वॉज इमेच्योर एंड लेस डाइवर्स इन मेल नरिश्ड चिल्ड्रन कंपेयर टू द बेटर डेवलप्ड मैच्योर माइक्रोबायोम फाउंड इन हेल्दी चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज, ऑफ द सेम एज, राइट। अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मदर्स मिल्क हैज शोन द प्रेजेंस ऑफ ए मॉडिफाइड शुगर। दिस इज नॉट यूटिलाइज बाय द इन्फेंट्स माइक्रोबायोम थ्राइव ऑन दिस शुगर विच सर्व्स एज देयर फूड। मैलनरिश्ड मदर्स हैव लो लेवल ऑफ दिस शुगर इन देयर मिल्क, कॉन्सिक्वेंटली द माइक्रोबायोम ऑफ देयर इन्फेंट्स फेल टू मैच्योर, दैट इन टर्न लीड्स टू मैलनरिश्ड बेबीज। सो फ्रेंड्स पैसेज का पहले हम देखिए एसेंस या जिस्ट समझने की कोशिश करते हैं, या पैसेज में जो प्रॉब्लम डिस्कस की गई है उसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए पैसेज में बताया गया कि साइंटिस्ट ने कुछ बच्चों के सैंपल्स लिए गए हैं, जैसे तो उसमें से पता लगाया गया है कि जो मेल नरिश्ड बच्चे हैं उनमें जो माइक्रोबायोम्स होते हैं वो हेल्दी नहीं होते, और जो बच्चे जो हेल्दी बच्चे हैं उनमें जो माइक्रोबायोम्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं, क्योंकि ये जो माइक्रोबायोम्स हैं दे थ्राइव ऑन शुगर दैट इज
साइलेटेड ऑलिगोसैक्राइड्स, राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ शुगर ऑन विच दीज माइक्रोबायोम्स थ्रीव, राइट। सो जो मदर जिनमें ये शुगर की कमी होती है, राइट, तो ये उन बच्चों को उन माइक्रोबायोम्स इसी शुगर पे जैसे पलते हैं, और जिन माताओं में इस शुगर की कमी होती है उन माताओं के जो बच्चे हैं वो मैलनरिश्ड बेबीज होते हैं, राइट। सो फ्रेंड, इतना हम समझने के बाद चलिए ऑप्शंस पे चलते हैं। सो चेक करते हैं जी यहाँ पे क्या पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल, रेशनल एंड क्रूशियल इन्फरेंस दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अबव पैसेज। चलिए वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। इफ मेल नरिश्ड चिल्ड्रन कंडीशन इज इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय गट बैक्टीरिया इट कैन नॉट बी ट्रीटेड। सो फ्रेंड्स, हेयर ऑप्शन ए इज रॉन्ग बिकॉज इफ द काज इज फाउंड ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, राइट। सो वी कैन इलिमिनेट दिस ऑप्शन, राइट। इफ काज इज फाउंड राइट, ट्रीटमेंट राइट इज पॉसिबल। फ्रेंड्स, राइट, सो वी इलिमिनेट ऑप्शन ए। नेक्स्ट ऑप्शन बी को देखते हैं। द गट्स ऑफ मेल नरिश्ड बेबी शुड बी इनोक्यूलेटेड विद मैच्योर माइक्रोबायोम्स। सो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इज हियर, बी ऑप्शन इज फार फेच, क्योंकि इनोक्यूलेटेड इनोक्यूलेशन की कहाँ पे कहीं पे पैसेज में बात नहीं हुई है, और इनोक्यूलेशन होता है जैसे बच्चों को स्पेशल ये इंजेक्शन लगाए जाते जगह इंजेक्शन जैसे इनोक्यूलेशन होता है जैसे इंजेक्शन लगाना, ये जो मैच्योर माइक्रोबायोम्स हैं इसके अगर हम बच्चों को इंजेक्शन लगा सकते लगा दें तो ये कह रहा है कि मैलनरिश जो बेबीज हैं उनको ये मैच्योर माइक्रोबायोम्स के इंजेक्शन लगा देने चाहिए। बट यहाँ पे पैसेज में कहीं पे इंजेक्शन की बात नहीं हुई है, सो इसको हम इलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम देखते हैं सी ऑप्शन। बेबीज ऑफ मेल नरिश्ड मदर शुड बी फेड विद डेयरी मिल्क फोर्टिफाइड विद साइलेटेड ओलिगोसैकेराइड्स इंस्टेड ऑफ मदर्स मिल्क। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे ऑप्शन सी है, राइट। इसको हम होल्ड पे रख लेते हैं। देखिए, इट साउंड्स गुड, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मदर्स मिल्क लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको अभी होल्ड पे रख लेते हैं, राइट। हम इसको अभी एज अवर फाइनल आंसर नहीं मार्क करते हैं, पहले हम ऑप्शन बी को देख लेते हैं। रिसर्च ऑन बेनिंग इफेक्ट ऑफ गट बैक्टीरिया ऑन न्यूट्रिशन हैज पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। फ्रेंड्स, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस की कहीं पे पैसेज में बात नहीं हुई है, सो एक बार दोबारा देख लेते हैं पैसेज को। सो फ्रेंड्स, कहीं पे भी पॉलिसी इम्प्लीकेशन की इम्प्लीकेशंस की बात नहीं हुई है, सो इन दोनों में से बी भी हमारा इन्फरेंस हो सकता था, सी भी हो सकता है, बट इसमें से हमें सी को अपना इन्फरेंस लेके चलना पड़ेगा, राइट, और डी को हम इलिमिनेट यहाँ पे कर देते हैं। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी। मैं पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे
ऑप्शन सी है, अगर इंस्टेड ऑफ मदर्स मिल्क ना होता तो बिल्कुल ही 100% हम पहले ही इसको मार कर देते, बट हमें चारों ऑप्शन में से एक तो सिलेक्ट करनी है, मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड क्रूशियल इन्फेरेंस तो हमने निकालना ही है, सो हमने यहाँ पे इसी का सी ही आएगा, राइट। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्लाइमेट चेंज में एक्चुअली बेनिफिट सम प्लांट्स बाय लेंथनिंग ग्रोविंग सीजन्स एंड इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। सो क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे जो ग्रोविंग सीजन है वो उसकी लंबाई बढ़, वो जो ग्रोविंग सीजन बढ़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, इससे कुछ प्लांट्स हैं उनको फायदा पहुंच सकता है। येट अदर इफेक्ट्स ऑफ ए वार्मर वर्ल्ड सच एज मोर पेस्ट्स, ड्राउट्स एंड फ्लडिंग, राइट। परंतु इसी के साथ कुछ और आपदाएं हैं जिनका नुकसान भी हो सकता है, जैसे पेस्ट ज़्यादा हो सकते हैं, ड्रॉट सूखा पड़ सकता है, फ्लड वगैरह आ सकते हैं, विल बी लेस बर्निंग्स। नेक्स्ट इट इज, ये भी कम होंगे। नेक्स्ट इट इज, हाउ विल द वर्ल्ड अडाप्ट द विश्व जैसे है, इन परिस्थितियों में अपने आप को कैसे अडाप्ट करेगा। रिसर्चेज प्रोजेक्ट दैट बाय 2050 सुटेबल क्रॉप लैंड्स फॉर फोर कमोडिटीज, मेज, पोटैटोज, राइस एंड वीट, विल शिफ्ट इन सम केसेस, पुशिंग फार्मर्स टू प्लांट न्यू क्रॉप्स, राइट। सम फार्म लैंड्स में बेनिफिट फ्रॉम वार्मिंग, सम फार्म लैंड्स में बेनिफिट फ्रॉम वार्मिंग बट अदर्स वॉन्ट, राइट। कुछ किसानों को फायदा पहुंच सकता है पर कुछ को नहीं पहुंच सकता। क्लाइमेट अलोन डज नॉट डिक्टेट यील्ड्स, ओनली क्लाइमेट चेंज या अकेला मौसम ही अच्छी उत्पादन के लिए के नहीं जिम्मेवार है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिटिकल शिफ्ट्स, ग्लोबल डिमांड एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विल इन्फ्लुएंस हाउ फार्म्स फेयर इन द फ्यूचर। देखिए जो फार्मर्स की स्थिति वो है वो इस पे भी डिपेंड करेगी, पॉलिटिकल शिफ्ट पे, ग्लोबल डिमांड है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, तो इन चीज़ों पे भी निर्भर करती है किसानों की जो भविष्य है, राइट। सो अब देखिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। सो वी हैव द ऑप्शन, फार्मर्स हु मॉडर्नाइज देयर मेथड्स, एंड डाइवर्सिफाई देयर फील्ड्स विल बी इन एन एडवांटेजियस पोजिशन इन फ्यूचर, राइट। फ्रेंड देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ये बता रहा है कि जो फार्मर्स हैं जो मॉडर्नाइज करेंगे मेथड्स और डाइवर्सिफाई करेंगे फील्ड्स को, उनको जो इफ देयर फील्ड विल बी इन एन एडवांटेजियस पोजीशन इन फ्यूचर, भविष्य में उनको लाभ पहुंचेगा, बट ऑथर क्या कह रहा है पैसेज में देखिए, सम फार्मलैंड्स में बेनिफिट फ्रॉम वार्मिंग बट अदर्स वॉन्ट, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट अलोन डज नॉट डिक्टेट येल्ड, पॉलिटिकल शिफ्ट, देर आर अदर फैक्टर्स, यहाँ पे कुछ और भी फैक्टर हैं जहाँ पे किसानों का जो फ्यूचर है वो निर्भर करेगा या किसानों की जो जो ग्रोथ है वो निर्भर करेगी। दैट इज पॉलिटिकल शिफ्ट, ग्लोबल डिमांड, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इन चीज़ों पे भी निर्भर करती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए इज नॉट नेसेसरी ट्रू ऑलवेज, राइट। नाउ लेट अस सी ऑप्शन बी, क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली एडवर्सली अफेक्ट द क्रॉप डाइवर्सिटी, नो इट्स नो वेयर मेंशन इन द पैसेज, सो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन। नाउ लेट अस डिस्कस सी ऑप्शन, दैट इज शिफ्टिंग मेजर क्रॉप्स टू न्यू
crop lands will lead to a great increase in the total area under cultivation. Friends, यहाँ पे mistake है passage में, यहाँ पे आएगा cultivation and thus an increase in overall agriculture production. राइट, अभी इसको हम होल्ड पे कर लेते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट लेट अस डिस्कस ऑप्शन डी. क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द फ्यूचर. सो फ्रेंड्स, यहां पे देखिए क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द फ्यूचर. यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से हमारी डी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज ओवरराइडिंग थीम ऑफ द पैसेज. ओवरराइडिंग द थीम ऑफ द पैसेज. सो डी ऑप्शन इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फरेंस हियर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.